नमस्कार जी दोस्तों, मैं हूं अंशु ऑनलाइन स्टडी 2M। आज के बेसिक मैथ में यानी साधारण जो मैथ हम सीखेंगे शुरू से अंत तक यानी बेसिक मैथ से एडवांस लेवल तक, तो उसका आज क्लास तीसरा है यानी तीसरी दिन ये वीडियो बना रहा हूं आप लोगों के लिए। तो दो वीडियो हमने अपलोड किया, आप लोग चैनल में जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। तो आज हम लोग तीसरे दिन हम सीखेंगे बेसिक मैथ्स का, ठीक है, और उसमें हम लोग सीखेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, और ये सब मिला करके भिन्न के सवाल, और भिन्न को समझेंगे कि भिन्न क्या चीज़ है, जोड़ घटाना गुणा भाग और जीरो से गुणा, ये सब हमने सीख लिया। जुड़ा जीरो से जोड़ करने पे, जीरो से घटाना पर, जीरो से गुणा करने पे, जीरो से भाग करने पे क्या आता है यानी, ठीक है, और जीरो से जब गुणा करते हैं किसी संख्या में तो जीरो क्यों आता है, सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी और देखिए वीडियो को लास्ट तक। देखिए भिन्न क्या होता है, पहले भिन्न को आप लोग समझना पड़ेगा। बट्टा यानी एक बट्टा में दो, तीन बट्टा में चार यानी दो बट्टा में दस, ऐसी कोई भी यानी बट्टा में दिया हो इसको भिन्न बोलते हैं। और ये जोड़ क्यों हो जाता है, क्योंकि एक बट्टा में दो प्लस तीन बट्टा में दो, जब इस प्रकार के दिए हों तो इस प्रकार से ये जोड़ हो गया। अगर यही घटाना सीखना है तो घटाना में एक बट्टा में तीन माइनस चार बट्टा में दो यानी घटाना, यही गुणा होगा तो गुणा, और जब भाग होगा तो इसके बीच में भाग हो जाएगा। तो हम लोग यही चीज़ सीखने वाले हैं आज की वीडियो में कि जोड़ घटाना और गुणा और भाग, यानी आप लोग समझ लीजिए ना कि आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी। ये मान लीजिए एक रोटी है, ठीक है, तो एक रोटी है तो आप लोगों का एक होगा, ठीक है। अब बट्टा में कितने लोगों को बांटना है, ये तीन लोगों को बांटना है, तो तीन लोगों को बांटना है तो बट्टा में तीन जाएगा, ठीक है। तो यानी इतनी इतनी ये तीनों लोगों को मिलेगी एक रोटी में, वही चीज़ आप लोगों को बताना है। यही अगर चार लोगों को बांटना हो, एक लाइन और मार दीजिए और यहाँ पे चार हो जाएगा, तो कितना कितना उन लोगों को मिलेगा वही चीज़ यहाँ पे डिसाइड होता है। मान लीजिए अगर 100 रुपये हैं और उसमें से 5 लोगों को बांटना है, ठीक है, 100 रुपये हैं 5 लोगों को बांटना है, तो कैसे बांटेंगे, तो इसको भाग देंगे 100 में 5 का, तो हो जाएगा आप लोगों का 20, यानी 20-20 रुपये जब आप लोग बांटेंगे 5 लोगों को तो 100 रुपये आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा। आसान तरीका है, तो चलिए आप लोग जोड़ सीख लीजिए। हम एक जोड़ ले लेते हैं, एक बट्टा में दो प्लस तीन बट्टा में चार, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को एलसीएम लॉसा भी आना चाहिए, वो चीज़ आप लोगों को अगली वीडियो में हम आप लोगों को समझाएँगे, अभी आप लोग इतना सीख लीजिए, ठीक है। तो जोड़ हम लोग सीख रहे हैं, तो एलसीएम 4 और 2 का 4 हो जाएगा, ये चीज़ आप लोगों को आगे समझाऊंगा, नहीं तो हमारे चैनल में पड़ा हुआ है या डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 4 हो जाएगा, 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दुना के 4, 2 बार में जा रहा है तो 2 बार में जा रहा है, तो 2 का 1 में गुणा कर देंगे, 2 एकम में 2 प्लस 4 का 4 में भाग देंगे तो 1, यानी 4 एकम में 4 होता है, तो 1 बार में जा रहा है तो 1 का 3 में गुणा करेंगे 3 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का, 2 और 3 5 और बट्टा में 4 निकल करके आ गया आंसर आप लोगों का हो गया। जोड़ समझ में आ गया आप लोगों को, घटाना सीख लीजिए थोड़ा सा। 5 बट्टा में 3 माइनस, और यहाँ पे 7 बट्टा में 3 ले लेते हैं, ठीक है, तो 7 बट्टा में 6 ही ले लीजिए, सबसे ज़्यादा आसान होगा आप लोगों को समझने में, ठीक है। तो 6 और 3 का एलसीएम हमारा हो जाता है 6, यानी लॉसा हमें निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा 7 और 6 और 3 का लॉसा क्या हो गया, 6। फिर देखिए 3 का भाग देंगे 6 में, तो 3 दुना के 6 2 बार में जा रहा है तो 2 का 5 में गुणा 10 हो जाएगा, माइनस ये वाला 6 का 6 में भाग देंगे 1 बार में, 1 का 7 से गुणा कर देंगे 7 ही हो जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 और बट्टा में क्या हो गया 6। अभी देखिए ऊपर 3 है नीचे 6 है, दोनों 3 के पहाड़े में 6 आता है, ठीक है, तो 3 एकम में 3 और 3 दुना के 6 आंसर क्या आ गया, 1 बट्टा में 2। बहुत ही आसान तरीका था, और ये आप लोगों का आंसर कितना आ गया, 1 बट्टा में 2। तो घटाना भी समझ में आ गया, आप लोगों को बेसिक समझा रहा हूँ, एडवांस लेवल में नहीं, ठीक है, अभी आप लोग बेसिक थोड़ा सा सीख लीजिए, फिर एडवांस लेवल के लिए अगली वीडियो आप लोगों को बनाएंगे, पहले ये चीज़ आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। नहीं समझ में आ रहा हो कमेंट कीजिए, और ऊपर से भी समझ में नहीं आ रहा है नहीं जवाब देता हूँ, दोबारा वीडियो को देखिए समझ में आ जाएगा, या फिर और भी वीडियो बने हुए हैं अच्छी अच्छी वीडियो, उनको भी आप लोग देख सकते हैं चैनल में जा करके। चलिए गुणा सीख लीजिए, 5 बट्टा में 3 गुणे, ठीक है, 5 बट्टा में 3 गुणे 2 बट्टा में हो जाएगा 3,
ठीक है, ये ले लीजिए। तो आप लोगों को क्या करना है इसमें गुणा में, कि आमने सामने इसमें गुणा होता है, ठीक है। ठीक है, तो 5 दूना के 10 और 3 के 9 आंसर निकल करके आ गया। एक और चीज़ सवाल होता है इसमें, 7/4 × 2/14। अभी आप देखेंगे कि 2 इसको ऊपर नीचे अगर कोई कट रहा हो तो काट देंगे, 2 एकम में 2, 2 के पारा में 4 आता है, ये 2 बार में, ठीक है, तो 2 हो गया, कट गया ये, 1 और इधर 2 हो गया। देखिए 7 एकम में 7 और 7 दूना के 14, तो क्या हो गया, 1/2 × 1/2 निकल करके आ गया। इसको आपस में गुणा कीजिए आमने सामने, 1 एकम में 1 और 2 दूना के 4 आंसर फटाफट निकल करके आ गया। यही इसका फंडा होता है और यही इसका तरीका होता है। अब भाग में सीखेंगे, भाग सीखेंगे भिन्न का भाग। तो भिन्न का भाग हमारा हो जाएगा 5/3 × 2/3, ठीक है, 2/3। तो जब भाग में क्या होता है कि ये जो भाग है ना, इसको गुणा में हमें चेंज करना होता है। कैसे होगा, 5/3 हमने पहले लिख लेनी है, फिर यहाँ पे गुणा इसके भाग के जगह पे लगा दिया है, 3 को ऊपर ले जाएंगे और 2 को नीचे लाएंगे, तो 3 को ऊपर ले गया, फिर 2 को नीचे लाया हमने, हो गया। अब आप लोग देखिए, 3 और 3 ऊपर नीचे हैं यहाँ पे, तो काट दीजिए कूड़ा, है ना। तो 1 और 1 यानी 5/1 × 1/2, गुणा कीजिए 5 एकम में 5, ठीक है, 2 एकम में 2 आंसर निकल करके आ गया। देखिए दूसरा भाग देख लीजिए यहाँ पे, तो दूसरा भाग हमारा यहाँ पे है 3/5 × 7/9। तो इसको भी हमें गुणा में चेंज करना पड़ेगा। कैसे होगा वही चीज़ हम सीखेंगे यहाँ पे। 3/5 हमने पहले उतार देनी है, फिर गुणा 9 ऊपर चला जाएगा और 3 ये 7 नीचे चला आएगा, ठीक है। अब देखिए आमने सामने ये हैं तो ये नहीं कटेंगे आपस में, क्योंकि 3 के पारा में 9 आता है, हमेशा ऊपर नीचे काटना होता है, ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। अब करेंगे 9 × 3 = 27 और 5 × 7 = 35। अब देखिए इसमें 3 किसी संख्या से नहीं कटने वाला, यानी ये आंसर आप लोगों का हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ, ठीक। तो ये क्लास का 3रा दिन था, तो 3रे दिन में कुछ ऐसा मोटिवेशन दीजिए जो कि और भी अच्छी वीडियो बना सकूँ। और मोटिवेशन पता है कैसे मिलेगा, मोटिवेशन आपके सब्सक्राइब और लाइक और शेयर से मिलेगा, और किसी चीज़ से नहीं मिलने वाला। तो बस इतना आप लोग हेल्प कीजिए और मैं आप लोगों के साथ करूँगा, आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। धन्यवाद।